गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल स्टॉक हियर। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप लोगों के साथ कुछ फोटोग्राफी आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जितने भी फोटोज़ एंड पिक्चर्स मैंने लिए हैं, ये सारे बिना किसी ट्राइपॉड के लिए हैं और कोई DSLR या फिर कैमरा से मैंने पिक्चर्स नहीं लिए। ये सारी पिक्चर्स मैंने मेरे फ़ोन से ली हैं। सो यस, ये मैं कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ लोकेशन अपने घर की ही है। कुछ बेसिक चीज़ें यूज़ करके, कुछ बेसिक प्रॉप्स यूज़ करके मैंने पिक्चर्स ली है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। So yes, and the outfit that I am wearing today in all those pictures, ये मैंने Amazon से order करा है। अभी Amazon पे Great Indian Sale चली थी तो मैंने तब order करा था। अभी मुझे कुछ products तो receive हो गए हैं, कुछ products receive होने रह रहे हैं। So इसकी जितनी भी details होंगी मैं उस Amazon haul में बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, उसमें दूंगी। So yes, make sure आप मेरे channel को subscribe कर लें so that मेरी आने वाली further जितनी भी videos होंगी आपको उनकी notification मिल जाएगी। And आप बिना किसी further तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ हमारी पहली लोकेशन पे, जो है हमारे घर की टेरेस। और मैंने कोई ट्राइपॉड यूज़ नहीं करा है। टेरेस का एक कॉर्नर जो होता है वहाँ पे मैंने एक छोटा सा पत्थर काइंड ऑफ रखा है, उसके ऊपर मैंने अपना फ़ोन रखा है। एंड फ़ोन मैंने आपको दिखाने के लिए लैंडस्केप मोड में रखा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने जब पिक्चर्स क्लिक करी वो मैंने पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करी थी। अब बढ़ते हैं हम हमारी पिक्चर्स की तरफ। तो हमें करना क्या है, हमारे फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड लगा के उसमें टाइमर सेट करना है 2 या फिर 3 मिनट्स का। एंड उसके बाद हमें पिक्चर्स क्लिक करनी है, अपने हेयर्स के साथ थोड़ा सा प्ले करना है, थोड़ा हैंड्स इधर उधर टर्न करने हैं। ज़्यादातर मैंने जो ट्राई करा है वो ये करा है कि थोड़े पोस्चर्स अच्छे हों एंड सिंपल पोस्चर्स हों, तो पिक्चर्स जो टर्न आउट हुए वो काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स टर्न आउट हुए। मैंने थोड़ा बहुत अपने ड्रेस के साथ करा पोजिंग। एंड अगर पोजिंग के आइडियाज़ लेने हैं तो आगे जो पिक्चर्स आएंगे आप उनसे ले सकते हैं। एंड बिल्कुल ही सिंपल पोजेस मैंने करे हैं, थोड़ा बहुत अपने हैंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा है। एंड मोस्टली मैंने जितने भी पोजेस करे वो सारे स्टैंडिंग पोजेस करे हैं। सो चलो देखते हैं कि पिक्चर्स एक्चुअल में टर्न आउट कैसी हुई, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो ये रहे कुछ पोजेज, आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने अपने हेयर के साथ प्ले करा है, थोड़ा बहुत मैंने अपनी ड्रेस के साथ पोजिंग करी है। एंड बिल्कुल ही सिंपल पोजेज करे हैं एंड पिक्चर्स कितनी ब्यूटीफुल आई हैं। मूविंग फर्दर टू आर नेक्स्ट आइडिया, यहाँ पे मैंने यूज़ करी है स्टेयर केस। एंड स्टेयर केस तो मोस्टली सबके घरों में होती ही हैं और ये एक्ट करेंगी एज एन ट्राईपॉड। तो मैं आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन कैसे रखा है। अगेन स्पीकिंग, मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए लैंडस्केप मोड में रखा है, बट एक्चुअल में मैंने जो पिक्चर्स क्लिक करी वो पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करी थी, मतलब जो स्ट्रेट फ़ोन रखते हैं उसमें क्लिक करी थी। अब पोजिंग करी कैसे है, मैंने वो जो स्टेयरकेस के पास लाइक जो पकड़ने के लिए वो होता है उस पर, उसके पास थोड़ा बहुत पोज करा है मैंने, या फिर वॉल के कॉर्नर पर थोड़ा बहुत पोज करा है, अगेन प्लेइंग विद माई ड्रेस। सो हियर वी गो, दीज आर दी पिक्चर्स। कितनी अमेजिंग पिक्चर्स टर्न आउट हुई हैं आप लोग देख सकते हैं, आई वॉज रियली अमेज्ड। अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली फोटोग्राफी आइडिया की तरफ। वो फिर से स्टेयर्स पे है, बट इससे पहले जो हमने फोटोग्राफी करी है वो स्टैंडिंग पोजेस में करी है, बट हम थोड़े बहुत सिटिंग पोजेस भी लेंगे स्टेयर्स पे ही। तो प्रॉप मैंने यूज़ करा है, यहाँ पे कुछ फोटोज़ फ़ोन के साथ ली हैं, कुछ रैंडम फोटोज़ जैसी आती हैं वैसी ली हैं, लाइक नॉर्मल स्टेयर्स पे सिटिंग पोजेस लिए हैं। एंड वन थिंग मोर, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हर स्मार्टफोन में एक सेटिंग होती है, पाम वाली सेटिंग होती है, लाइक अगर आप जैसे ही अपना पाम दिखाते हैं वैसे ही टाइमर ऑन हो जाता है। तो मैंने वो सेटिंग ऑन करके ये पिक्चर्स ली हैं एंड सारी ही पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर्स ली हैं। एंड मैंने कुछ ऐसी पोजिंग करी है लाइक आई एम नॉर्मली रैंडमली सिटिंग ऑन स्टेयर्स। यहाँ पर मैंने ट्राई कराया है, मैंने ज़्यादातर अपने हैंड्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया है। तो ये रही कुछ पिक्चर्स, आप लोग देख सकते हैं, दिस वन इज़ द अमेजिंग पिक्चर। एंड कुछ नॉर्मल ड्रेसेस की पिक्चर हो गई, कुछ नॉर्मल बैठी हुई की पिक्चर हो गई, आई जस्ट लव दिस शूट। नाउ कमिंग टू आर नेक्स्ट आइडिया, इग्नोर दैट नाली बिहाइंड। तो मैं अपनी बालकनी में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ जिसपे मैंने अपने फ़ोन को प्लेस करा है। अगेन स्पीकिंग, मैंने अपने फ़ोन को स्ट्रेट रख के पिक्चर्स क्लिक करी हैं। एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे इंडियन अटायर पहना है, तो मैंने कुछ पोजिंग जितनी भी करी है वो सारी इंडियन अटायर के हिसाब से करी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे ही पोजेज आपको वेस्टर्न आउटफिट में भी बताऊँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। यहाँ पर मैंने प्रॉप यूज़ करी है बुक, लाइक ऐसा कुछ लगे दैट मैं आई एम रीडिंग दैट बुक। कुछ ऐसी पोजिंग मैंने करी है, बिल्कुल रैंडम पोजिंग करी है, बिल्कुल ही सिंपल सी। और आप
आपको फोटोग्राफी का आइडिया लग जाएगा कि कैसे पोजेस मैंने करे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर टर्न करके पोजिंग करी है मैंने एंड अपनी ड्रेस को थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट करा है सो दैट मेरी ड्रेस प्रॉपरली विजिबल हो। एंड दिस आइडिया इज रियली सुपर्ब। आपको करना क्या है, जो भी कोई भी बुक लेनी है एंड उसके पेजेस को टर्न करना है, उसके बाद आपको बीच में सेंटर में कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है एंड दीज आर दी पिक्चर्स। आप लोग देख सकते हैं कैसे रैंडम पिक्चर्स आई हैं और बहुत ही अडोरेबल लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल पोजेस लग रहे हैं। नाउ कमिंग टू आर नेक्स्ट आइडिया, तो ये एक सेल्फी आइडिया है। हमें करना क्या है, हमारा जो फ़ोन है उसका कैमरा ऑन करना है और फ़ोन को उल्टा कर देना है एंड उसके बाद कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। और यहाँ पे मैंने यूज़ करा है गेट, लाइक आपके घर में कोई भी गेट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे गेट यूज़ करा है एंड मैंने ट्राई करा है कि मेरा जो फेस है वो हाफ ही विजिबल हो सो दैट पिक्चर्स कुछ अच्छी आए एंड शैडो वाली पिक्चर्स आए। एंड मैंने जो फोटो में एडिटिंग करी है वो भी कुछ शैडो वाली ही करी, आप लोग देख सकते हैं। हेयर वी गो, दीज आर दी पिक्चर्स एंड आप लोग देख सकते हैं फेस हाफ ही दिख रहा है हर पिक्चर में। मूविंग फर्दर है कुछ वर्चुअल फोटोग्राफी आइडियाज़, जैसे कि मेरे घर में कुछ विंडो थी, आपके घर में कोई भी विंडो हो वहाँ पे आप अपना फ़ोन रखें एंड दूसरे फ़ोन से पिक्चर क्लिक करें, फ़ोन को आपको फुल स्क्रीन पे कर देना है, जो भी आपको पिक्चर क्लिक करनी है उसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड पिक्चर क्लिक करनी है एंड हेयर वी गो। आप देख सकते हैं कितनी एस्थेटिक फ़ोटो आई है। यहाँ पे एक और वर्चुअल फोटोग्राफी आइडिया देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। करना क्या है कि आपके पास कोई भी बुक हो आपको उसको ओपन करके रखना है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी यूज़ करनी है उसके बुक के आसपास आपको प्लेस करनी है। अगर आप लड़के हैं यू कैन यूज़ सम वॉचेस एज वेल ज्वेलरी अगर आपको यूज़ नहीं करनी है। करना क्या है, फ़ोन प्लेस करना है, अपनी फ़ोटो को फुल स्क्रीन पे करना है एंड उसके बाद पिक्चर्स क्लिक करनी है। ट्राई करें कि जो बैकग्राउंड है लाइक जहाँ पे भी आपने वो बुक प्लेस कर रखी है वो विजिबल ना हो, सिर्फ बुक का पार्ट ही विजिबल हो। सो हियर वी गो, ये रहे कुछ एडिटिंग आइडियाज़। आप ऐसे कुछ एडिट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे कुछ वर्चुअल फोटोग्राफी आइडियाज एज वेल एज कुछ नॉर्मल फोटोग्राफी आइडियाज। आप इन फोटोग्राफी आइडियाज को ट्राई करें एंड मुझे टैग करें सो दैट मैं अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जरूर अपडेट कर सकूं। और इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको कौन सी पिक्चर या फिर कौन सी फोटोग्राफी सबसे बेस्ट लगी है। Now it's a bye. मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।